बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये अनबॉक्सिंग वीडियो भी है और इसके साथ मैंने इसमें एक कुकिंग वीडियो भी है। तो अनबॉक्सिंग है ये माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन मैंने लिया है डाउलिंस का 131 HP। बेकिंग ओवन है ये, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपनी ये जो खुशी है शेयर करूं। और पहले मेरे पास ओवन था लेकिन वो डिफ्रोस्ट या फिर चीज़ें गर्म करता था, बेकिंग नहीं हो पाती थी। मैं बेकिंग के लिए फिर पतीला वगैरह यूज़ करती थी, पतीले में बेक करती थी चीज़ें, तो परेशानी भी होती थी कभी कभी क्योंकि सर्दियों में सभी को पता है कि गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ओवन बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर। तो इसलिए मैंने बेकिंग के लिए ये ओवन लिया और बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें ट्राई करने के लिए चिकन टिक्का बनाया, तो फर्स्ट टाइम था मेरा बेकिंग, इसमें चिकन टिक्का मैंने जो ट्राई किया तो मुझे इसमें टाइमिंग का इतना आइडिया नहीं था। तो चिकन को मसाला वगैरह मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ था और फिर मैंने इसमें जो मसाले लगी हुई चिकन थी वो रखी और टाइमिंग वगैरह कुछ अपने हिसाब से सेट किया। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या टाइम सेट करूं। लेकिन इस ओवन में बिल्ट इन रेसिपीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ये आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, 27 रेसिपीज़ हैं इसमें शेफ़ महबूब की। तो उनमें से एक रेसिपी ये चिकन टिक्का की भी थी, तो फिर उस बिल्ट इन रेसिपी पर मैंने जब क्लिक किया तो ओवन ने ख़ुद ही टाइमिंग वगैरह सेट कर दी थी। तो चिकन टिक्का बनाया मैंने, बहुत मज़ेदार बना और बहुत अच्छा बना। तो आप लोग देखिएगा, और अगर आपको इसका कोई सिस्टम मालूम हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में आकर, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।